नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जनपद मुजफ्फरनगर के एक स्कूल के अंदर आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 150 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर कानों की मशीन ट्राईसाइकिल रिक्शा कैलिपर्स आदि दिव्यांग उपकरण प्रधानमंत्री मोदी के दिव्यांगों को सशक्तिकरण बनाने के अभियान के तहत बांटे। वहीं मंत्री ने अपने हाथों से दिव्यांगों को उपकरण पहनाए और कहा कि दिव्यांग भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। वो उनके अंदर जो हीन भावना है उसको निकालने के लिए लगातार इनको मजबूत बना रहे हैं। इसके लिए पेंशन योजना चलाई गई। हालांकि ये सहायता राशि कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को एक मजबूती भी मिलती है। इसी के तहत कृत्रिम उपकरण फिटनेस शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल, CDO आलोक यादव, शिवेंद्र कुमार जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, बीजेपी नेता संजय अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता मौजूद रहे। दिव्यांग उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वहीं उन्होंने मंत्री और सरकार का आभार जताया। ये हम सब जानते हैं कि जो दिव्यांगता है ये ईश्वर की एक प्रसाद कह लो, अभिशाप कह लो, जो भी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांगता को दिव्यांगता का नाम दिया, यानी उसको सम्मान दिलवाने का काम किया। और उसी के पकड़ में हमने दिव्यांग विभाग द्वारा इन सबको कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल्स, अभी आपने देखा कि इनको जो बच्चे हैं जिनके अलग अलग प्रकार के पैर हैं, खराब होते हैं, वो उनको पोलियो होता है या पैर किसी कारण से खराब हो जाता है, ऐसे सब लोगों को साइज के अनुसार वो कैलिपर दिलवाने का काम हुआ। हमने इनको ट्राईसाइकिल्स दिए हैं, अभी कान सुनने की मशीनें दी हैं, और ये जो बैसाखियाँ दी वो दी हैं, यानी जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ी है उसको ये देने का काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ऐसे दिव्यांगजनों के लिए बहुत संवेदनशील हैं, बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा पेंशन भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की है, कोई बधाई का अवसर तो नहीं है, पर ये लोग आह्वान मैंने इनसे किया है कि अपनी इस कमजोरी को वो अभिशाप ना माने, बल्कि इसको प्रसाद के रूप में मान करके इसको विकसित करने का काम करें, और विकसित करके अपने आप में कोई ना कोई ऐसी एक विशेष प्रतिभा खातों से बच्चे अपने अंदर पैदा करें, ताकि उनका जीवन पुष्पों की तरह खुशबान हो सके। कितने लोगों को सराहा दिया? ये लगभग 150 लोगों की संख्या होगी जिनको ये सामना।